तो ये अब समय आ गया है कि हम ऐसी अश्लील वेब सीरीज़ या ऐसे अश्लील जितने भी ये सीरियल्स होते हैं या जो भी कुछ बॉलीवुड में चला आ रहा है उसके ऊपर एक रोक लगे, और उसके लिए करणी सेना महाराष्ट्र में पूरी तरह से तत्पर है। और हम ये सोचते हैं कि जब इन सब चीज़ों पर रोक लगेगी तो अपने आप समाज में जो ये घिनौने अपराध हो रहे हैं उन पर रोक लगेगी, क्योंकि आज अगर समाज में कुछ भी जो अपराध हो रहे हैं वो सब कुछ श्रेय जाता है इस तरह की वेब सीरीज़ को और इस तरह के सीरियल्स और इस तरह की मूवीज़ को। तो जब अगर उन पर रोक लगेगी तो अपने आप अपराधों पर एक अंकुश लगेगा। देखिए, अश्लील वेब सीरीज़ डेफिनेटली हमारे समाज में कहीं ना कहीं चीज़ों को हैम्पर करती हैं, और जिस तरीके से आजकल हम ये रेप वगैरह और ये सब देखते हैं, पूरी तरीके से नहीं लेकिन डेफिनेटली, क्योंकि ये जो मेंटल स्टेटस है लड़कों का, यंग जनरेशन का, वो उसको ख़राब करता है। और आजकल ये थोड़ा ईजिली अवेलेबल है, पहले क्या होता था लोगों को दुकानों पर जाकर के सीडीज़ खरीदना और ये वो, तो उस पर भी कई बार चेकिंग वगैरह होती थी तो नहीं मिल पाता था। बट अब क्या है, सस्ते सब्सक्रिप्शन लाइक 49.99 पे आप एक ऐप सब्सक्राइब करिए और उस पर ये चीज़ें आप पूरे साल देख सकते हैं। अब अगर आप ऐसी चीज़ें देखेंगे तो क्या करेंगे, क्या यही उल्टे सीधे कांड करेंगे? और वही उल्टे सीधे कांड आज जैसे हाथरस जैसी चीज़ों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो हम पूरा जिम्मेदार नहीं बोलेंगे लेकिन कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उस चीज़ के लिए ज़िम्मेदार हैं। और अगर इन चीज़ों को रोकना है तो इनको या तो आप सेंसर में लेकर के आइए या फिर इस तरीके के जो वेब ऐप्स हैं इनको आप लोग क्या कहते हैं बैन करें। इसके लिए हमने जो सूचना प्रसारण मंत्री हैं उनको लेटर लिखा गया है, और जो प्रसून जोशी जी हैं सेंसर बोर्ड के हेड उनको भी मैंने लेटर लिखा है, और मेरे को उनके रिप्लाई का वेट है। लेट्स सी क्या वो रिप्लाई देते हैं, और अगर वो नहीं दे पाते हैं कोई रिप्लाई तो फिर करणी सेना अपने तरीके से सक्षम है किसी भी तरीके के स्टेप को उठाने के लिए समाज के हित में। एकता कपूर की वेब सीरीज आई थी काफी।